दोस्तों मेरे पास आया हुआ है सुजुकी एसएस BS6, जिसको बोला जाता है 6G। ये 6G क्या है, गाड़ी बार बार बंद हो जा रहा है। जैसे आप एक्सीलेटर दोगे छोड़ दोगे बंद हो जाता है। अभी गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है और ये प्रॉब्लम आप कैसे बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो बराबर परफेक्ट आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ बताया हूँ। एक ये जो काम होता है बहुत इजी से कर सकते हो, आपको कुछ नया सामान इसमें डालना नहीं है। दोस्तों ये सुजुकी एसएस BS6 अभी नया प्रॉब्लम आया हुआ है, नया तकलीफ गाड़ी में है। अभी मैं आपको पहले स्टार्ट के दिखाता हूँ, फिर आप लोग को क्या करना है मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताऊँगा। पहले आप आज ये वीडियो में आपको नया तरीका नया टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं। अभी पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये देखिए स्टार्ट किया हूँ मैं, यहाँ देखिए कंटिन्यू बता रहा है, FI लिख के आ रहा है। ये देखिए F, ये लिख के कंटिन्यू और इस पर चल रहा है। गाड़ी स्लो भी बंद, गाड़ी बार बार बंद होता है इसे। तो इसमें दो चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो चूहे ने वायर कहीं से कटिंग किया हुआ रहेगा, नहीं तो इसको हम पहले इसको इसे रिसेट मार के देखते हैं। रिसेट आज कैसे मारा जाता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैं इसके ऊपर जैसे स्कैनर मशीन नहीं लगाऊंगा, इसे एक दो वायर से करके देखते हैं अभी ये होता है या नहीं होता है। आपके लोगों के सामने दिखा दे रहा हूँ कि हमने बहुत बार कर चुके हुए थे, मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ ये जो पोजीशन मैंने लिया हूँ ये वाला सॉकेट में, ये पोजीशन में देखिए ऊपर जो होता है तीन वायर है, 1, 2, 3 वायर आपको दिख रहा होगा और ये साइड में दो वायर है। हम दो वायर में नहीं, हम तीन वायर में करते हैं इसको। हम दो वायर लगाते हैं, एक लास्ट में और एक इधर, जो बीच वाला कनेक्शन है वो हम छोड़ देंगे। वापस एक रिपीट कर रहा हूँ, बीच वाला कनेक्शन हम ज्वाइंट नहीं करेंगे। ये देखिए हमने वायर एक इधर छील के लगा दिया हूँ। अब आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। अब ये बराबर सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हुआ वहाँ से, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ये देख लीजिए बराबर परफेक्ट, ये देख लीजिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। इसको चाबी गई दो तीन बार बंद बंद चालू करने का, और एस्केलेटर है जो है ये देने का, देखिए वाला देखिए छोड़ने का फिर देने का फिर छोड़ने का, इसी तरीके का दो तीन बार करना चाहिए। ये आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए जो कनेक्शन मैंने आगे लगाया वो कनेक्शन लग चुका हुआ है। अब ये वायर कहीं से कटिंग हुआ है, जैसे चूहे ने वायर कहीं से कट किए हुए है, इसलिए बराबर स्कैन नहीं हो पा रहा है। अभी इसको हम ओपन कर देखते, कभी वायर कटा हुआ नहीं रहेगा तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अलग चीज़ है। तो ये वायर गाड़ी के कटा हुआ है, अभी इसको हम ओपन करते हैं, ओपन कर फिर आपको दिखा दे चूहे ने वायर कहाँ से कटिंग किया हुआ है। दोस्तों अभी हमने वही गाड़ी है अभी हमने ओपन किया, आपको बोल रहा था कि 100% कहीं से वायर कटिंग किया हुआ रहेगा बराबर। अभी इसमें अलग प्रॉब्लम हो गया हुआ है, वायर कहीं से कटिंग किया हुआ नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से देख लीजिए, ये बॉडी ये जो होता है पूरा बॉडी इसका कंप्लीट, यहाँ से देखिए क्रेक हो गया, टूट गया हुआ है। तो इसको अगर कभी बाई चांस आपको खोलना है, इसमें सब गाड़ी में स्क्रू आता है, क्योंकि कोई कोई क्या करता है इसमें कभी कभी स्क्रू ड्राइवर मारते हैं, तो यहाँ से हल्का कमज़ोर रहता है, हल्का रहता है तो क्या होता है क्रेक हो जाता है, टूट जाता है यहाँ से। तब ये देखिए पूरा इसमें गेप हुआ है, तो इसके वजह से गाड़ी सेटिंग में आएगा ही नहीं। आप कितना भी रिसेट मारो कितना भी कुछ भी करो कि वो प्रॉब्लम यहाँ से है, पहले आपको इसको बनाना है। अभी मेरा जो खोलने का तरीका होता है अलग होता है, सब मैकेनिक लोग का अलग तरीका होता है खोलने का। मेरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ, ये देख लीजिए एग्जेक्टन इसको जो बोला जाता है, हम इसको यहाँ से निकालते हैं। देख लीजिए 8 नंबर का इसमें पाना लगता है, ये 10 नंबर का ट्रेड रहता है। हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद क्या करते हैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी ये हमने ओपन कर दिए, अब ओपन करने के बाद अब इसको हम थोड़ा तेज से कपड़ा रख दे रहा हूँ, ये देख लीजिए इसको हम थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। कपड़ा इसलिए रखा हो कि इसके अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए, अगर कभी गलती से कुछ चले गया तो आपको पूरा
ये जो होता है हेड खोलना पड़ेगा। अब उसको हम लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक मंकी पकड़ हम लोग बोलते हैं इसको, ये मंकी पकड़ से इसको ताकत से इसको पकड़ते हैं और ये बराबर बहुत ईजी से खुल जाता है। फिर आप स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दो या पकड़ से टाइट करो, ये मेरा खोलने का तरीका है। आप लोग कैसे, आप लोग को खोलने का तरीका अलग होगा, मेरा अपना खुद का बता रहा हूँ मैं। अभी इसको हम पकड़ से खोलते हैं, पकड़ से क्या होता है बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है, पकड़ अलग पकड़ आता है। ये एडजस्टमेंट मैं पहले कर देता हूँ उसको, अभी आप देख रहा होगा ये मैंने पकड़ते से दबा के ये खोल दिया हूँ। ये थोड़ा क्या होता है सीख होता है, ये को मैं पकड़ते ही खोला हूँ, ये देखिए अभी हाथ से खुल जा रहा है। ये मेरा खोलने वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, घड़ी घड़ी इसलिए वीडियो में रिपीट करता हूँ कि बोलते हैं सर ऐसे ना, इसमें देखो स्क्रू ड्राइवर मारा हुआ पहले से, आपको दिखा दे रहा हूँ बोल्ट में, इसलिए क्या होता है क्रैक हो जाता है। देख लीजिए यहाँ से थोड़ा हल्का से मार लगा हुआ है, ये देखिए दोनों तरफ मार लगा हुआ है। तो इसको जो तरीका मैंने बताया वो तरीका यूज़ करोगे 100% आपकी गाड़ी का ये बॉडी कंट्रोल जो होता है टूटेगा नहीं। अभी ये देखिए मैंने निकाल चुका हूँ, अभी इसको मैं सेटिंग करके वापस मैं इसको करूँगा, थोड़ा इसको अभी बराबर करता हूँ, सीधा करता हूँ कि वह पूरा बेंड है, टेढ़ा हो चुका हुआ है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको क्रैक हो चुका हुआ है। इसको अभी अच्छे से करने के लिए थोड़ा इसको करूँगा, फिर बाद में इसको हल्का कोई चीज़ जैसे MCL या कुछ भी आप इसे भर सकते हो। अगर ये सब चीज़ नहीं करोगे तो ये बॉडी कंट्रोल पूरा नया डालना पड़ेगा, नया नहीं डालना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी गाड़ी हमने तो सेटिंग में लेकर आ चुके हुए हैं, मतलब एक पूरा ये जो होता है पूरा टूट जाएगा अगर मैं पूरा इसको ट्राई करूँगा, ये टूट जाएगा। अभी मैं क्या काम करूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा से यहाँ से तार लेके ऐसे से तार लेके इसको मैं बांधूँगा, समझे। फिर जब ज़्यादा ट्राई करूँगा तो हो सकता है मेरा बॉडी कंट्रोल थोड़ा टूट भी जाए वाला स्क्रू वाला, तो अभी मैं इसको थोड़ा ऐसे बांधूँगा, क्योंकि अभी पूरा इसको ये वाला जो भाग है पूरा अगर मैं चिपका दिया कभी कुछ बोलना हुआ तो ये फिर ओपन नहीं होगा, क्योंकि ना टूट जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें तार बांध रहा हूँ। दोस्तों आपको गाड़ी चालू भी दिख रहा होगा, और यहाँ जो मैंने तार बांधा हूँ, तार देखो कैसे बांधा हूँ, एक बार यहाँ से लेके गया हूँ फिर बांधा, फिर बांधने नीचे से ले जाके फिर बांधा, क्योंकि अभी देखो मैंने यहाँ से बोल्ट नहीं लगाया हूँ, जो स्क्रू आता है स्क्रू जो पट्टी आता है, क्योंकि ये पूरा टूट चुका पूरा ख़राब हो चुका हुआ है, तो इसके लिए आपको पूरा ये बॉडी बदली करना पड़ता है, तब इसके साथ में ये वाला पीस आता है। ये आप सोचोगे कि अलग पीस पूरा कम्प्लीट आता है, तो कम समझ पैसा ही महंगा है, अभी मुझे प्राइस का पता नहीं है, तभी भी मेरे हिसाब से 3000 रुपीज़ से ऊपर रहेगा, 3000 ऊपर ही रहेगा ये। तो अभी मैंने तार बांध दिया हूँ मैंने अच्छे से, ये काम जो होता है अभी सक्सेसफुल होगा, फेल नहीं जाएगा, 100% गाड़ी बराबर परफेक्ट चलेगी। अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट भी दिखा दी गाड़ी थोड़ा स्पीड भी दिखा देता हूँ, सीटा पूरा परफेक्ट है, ये देखिए गाड़ी भी बंद नहीं हो रहा है। अभी इसको गाड़ी मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ़ कर दिया, अभी इसको ऑन वापस स्टार्ट करता हूँ मैं, ये देखिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। कभी बाई चांस आपके पास गाड़ी आई बहुत ईजी से, जिससे मैंने काम किया हूँ, इस तरीके करोगे तो आपकी गाड़ी का सक्सेसफुल होगा, आपको नया डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो आया, आपको हमारे जानकारी अगर आपको अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।